झाबुआ जिले में एक बार फिर खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। थांदला में युवती की मौत के मामले में प्रमुखता से खबर के प्रसारण के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया है और तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने साई नर्सिंग होम को सील कर दिया है। वहीं पुलिस ने अस्पताल से फरार डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल 19 वर्षीय युवती को बुखार आने पर साई नर्सिंग होम लाया गया था, जहाँ उपचार के बाद हालत बिगड़ने पर बिना परिजनों की मौजूदगी युवती को रेफर कर दिया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर सख्त कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में क्या पाया? यह पाया है कि 19 तारीख को लाया गया, इनके पिताजी साथ थे, उन्होंने उनको दिखाया, भर्ती किया गया और डॉक्टर जो भोजमल नाम से रजिस्ट्रेशन है, उन्होंने उनको देखा है, भर्ती किया, कहा कि ठीक हो जाएंगे कि ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद उसे उन्होंने रेफर किया है। पूरी केसिट वगैरह ये हम इसलिए देख पाए हैं कि यहाँ पे ना डॉक्टर है और ना पे कोई रिकॉर्ड है, इसलिए हम इसको सील कर रहे हैं। यहाँ पर भर्ती जो मरीज किए जाते हैं, जो बालिका का जो इलाज चला, वो कुछ कागज आपको उपलब्ध हुए हैं या नहीं? हमें कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ है, ना डॉक्टर मिले हैं, ना इसका मिला है। डॉक्टर भोजमल लाया एलोपैथिक इलाज कर रहे हैं और नर्सिंग होम चलाने के लिए अधिकृत है क्या? खुद इलाज नहीं कर सकते क्योंकि होम्योपैथी है, दूसरों से इलाज जो रजिस्टर्ड हैं एलोपैथी के, वो इलाज उनसे करवा सकते हैं। पर शासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने जो है इनको रजिस्ट्रेशन जारी किया है एलोपैथी का, उसका क्या आधार है, किस आधार पे उनको एलोपैथी इलाज करने के लिए अधिकृत किया? संचालक है, ये संचालक के हिसाब से इनको रजिस्ट्रेशन किया और इलाज तो यही करते हैं। मामला गैर हत्या का बनता है क्या इसमें? हाँ, स्वास्थ्य में लापरवाही की और डेथ हुई है, वो मामला बनता है। क्या बनता है, गैर हत्या का बनता है या नहीं? यहाँ पर जो मौके पर एक डॉक्टर थे जो अभी आए थे, वो इलाज लगाना क्या नाम बताया था उन्होंने बताया कि लड़की को डेंगू था, तो इसकी सूचना जो है बीएमओ साहब आपके हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल द्वारा इन्होंने आपको सूचना दी थी कि डेंगू का मरीज है? कोई सूचना नहीं है, वो जरूरी था कि नहीं सूचना देना? तो वो भी एक जांच का बिंदु बनेगा। समय समय पे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और जिले से भी टीम आती है इलेक्शन के लिए, क्या इसके पहले पता नहीं लगा कि इस तरीके से चल रहा कार्य? इसमें मैं तो मुझे अधिकृत क्या नहीं अभी तक, और आपका तात्पर्य सर प्रशासन मेडिकल स्वास्थ्य विभाग, कल शाम 4 बजे की घटना है और प्रशासन मतलब अब पहुंचा है, स्थानीय प्रशासन भी मौके पर नहीं पहुंचा था। लापरवाही हमें कोई सूचना नहीं मिली कि ये यहाँ अवैध मतलब अवगत करवा दिया था, अवगत आपको करा के अवगत करवाया था, मैंने भी जाँच की, 7 बजे अवगत करा दिया था, मैंने भी जाँच की गई थी, उसका क्या हस्त हुआ? मोटे हो चुकी है तो मैं दिखवाता हूँ, क्योंकि मैं उनके सीएमओ सर के नीचे का अधिकारी हूँ, मुझे जिस चीज़ का जांच मिलता है, जिस जगह का जांच मिलता है, मैं फौरन जाके सर जो डॉक्टर आए थे उन्होंने उनके अपने रजिस्टर मंगवाया था, अभी तक वो लेकर नहीं आए, दर्ज किए और सस्पेंड के लिए भी लिखा है, जो अभी बामनिया में सस्पेंड। आज क्या पाया आपने यहाँ? तो आज यहाँ पाया है कि जो नियमानुसार प्रोटोकॉल जो होता है हम बोलते हैं, उसके हिसाब से कार्य नहीं हो रहा है और इसीलिए हम इसको सील कर रहे हैं।
ये नर्सिंग होम की कितने बेड की परमिशन है इनके पास, कितने बेड की अनुमति है? फाइल नहीं देख पाया हूँ, इसलिए मैं ये भी बता सकता हूँ कि आगे क्या कार्रवाई। कार्रवाई है कि अभी ये पूरी एकत्रित जांच करेंगे, उसके बाद सर जांच रजिस्टर तो आया नहीं अभी तक। जांच रजिस्टर आपने मंगवाया था डॉक्टर साहब से, अभी तक नहीं आया है। नहीं आया इसलिए सील कर रहे हैं ना, अगर आ जाते तो हम देख लेते, सील भी नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं तो उनकी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी लग रही है, जिस कारण उन्होंने रजिस्टर पेश नहीं कर पाया। इससे जाहिर होता है कि मतलब नियमानुसार काम नहीं हो रहा है, इसलिए होते हैं। इस घटना से सबक लेकर प्रशासन अन्य जगहों पे भी जांच कर रही है। ऐसे अवैध क्लिनिक चल रहे हैं पर उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती, वो ऐसा क्यों? अवैध क्लिनिक का जो मैटर है ये अलग है और जो चीज का अलग है, देखो दोनों को अलग अलग रखिए। क्या मकान मालिक पर कार्रवाई की जाएगी? इस पे आरोपी बनेंगे क्या? इसमें इस प्रकार के गैर कानूनी काम अपने ही जगह पर करवाना नियम के विरुद्ध चल रहा था ये नर्सिंग होम, तो ये आगे बंद हो जाएगा या वापस चालू कर दिया जाएगा? जांच कर जांच के बाद ही जांच, प्राथमिक जांच में आपको जो पता चले इसमें ऐसा तो पेड अलग मिले और रजिस्टर और स्टाफ मिले तो हम कैसे कह सकते हैं? सर जांच तो हमने वहाँ हॉस्पिटल में भी देखी थी। नहीं ये तो निश्चित हो चुका है, 3 महीने पहले हुआ, जो 3 महीने पहले हुआ था गर्भपात। ये बोल रहे हैं कि मकान मालिक पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जब स्वास्थ्य विभाग इन्हें नर्सिंग होम की परमिशन जारी करता है, जब भाड़ा चिट्ठी वगैरह सब मंगाई जाती है और इनके स्टाफ एग्रीमेंट देखे जाते हैं, उसके बाद परमिशन जारी करता है, तो कहीं ना कहीं तो सारों की मकान मालिक भी बनता है सर। आप कैसे नहीं बनता है? संबंधित स्वयं का अपनी जमीन अपना भवन अपना वो होना चाहिए। अनुमति कैसे प्राप्त हुई सर? आपने इसके पहले महा हॉस्पिटल में भी कार्रवाई करी थी, वो भी इनके द्वारा ही संचालित है, लेकिन आज वो बेधड़क चल रहा है और आए दिन गर्भपात होता है। क्या भविष्य में ये भी वापस इसी तरह चालू होगा? अभी भी चालू है वहाँ पर, अभी भी आप देख लोगे तो पर डे के 5 से 6 सीजर कर रहे होंगे और सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज भी सीजर नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों?